Almighty Cleaner! अरे क्या बात है नोबिता, आज तो स्कूल जाते हुए तुम बहुत ही खुश लग रहे हो। तुम्हें पता है क्यों डोरेमोन? क्योंकि कल तुम्हें कोई होमवर्क नहीं मिला था। गलत जवाब। सच ये है कि जियान को कोल्ड हो गया है। हाँ? क्या सच में जियान को कोल्ड हो गया है नोबिता? उसके न आने की वजह से स्कूल में बहुत शांति रहती है, इसलिए मैं खुश हूँ डोरेमोन। अब समझा। ओके बाय बाय, खूब मजे करना, बाय। हे सुनियो। हेलो। अरे नोबिता, आज तो तुम बहुत खुश हो। हाँ, ये बात सोचकर कि जियान आज फिर स्कूल नहीं आएगा मुझे बहुत अच्छा लगता है सुनियो। कितना अच्छा होगा नोबिता अगर जियान कभी स्कूल ही ना आए, क्यों, है ना? तुमने सही कहा। हेलो जियान, तुम यहाँ? क्या हुआ जियान? क्या तुम ठीक हो गए हो? हाँ, पहले से अच्छा हूँ। मेरा मतलब, मुझे 104 बुखार हो गया था, उस वक्त मेरी हालत बहुत खराब थी। लेकिन तुम्हारी तबीयत अभी भी ठीक नहीं लग रही, तुम्हें थोड़ा और रेस्ट करना चाहिए जियान। हाँ, इसने बिल्कुल सही कहा, तुम्हें थोड़ा और रेस्ट करना चाहिए जियान। बेकार की बातें मत करो, अगर मैं ज्यादा एब्सेंट रहा तो मेरी पढ़ाई का नुकसान होगा। मुझे नहीं लगता इससे कुछ फर्क पड़ेगा। क्या कहा तुमने? नहीं, मेरा मतलब है जियान, अगर मैं होता तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ वो तो है। लेकिन मैं बहुत खुश हूँ जियान, तुम्हारे बिना मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगता था, और स्कूल में मेरा किसी से भी बात करने का मन नहीं करता था। क्या सच में? हाँ सच में, मेरा यकीन करो। मुझे तुम पर पूरा यकीन है सुनियो। रुको जियान। सुनियो, मुझे तुमसे एक फेवर चाहिए। हाँ बोलो जियान, तुम्हारे लिए तो मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ, तुम एक बार कहकर तो देखो। अच्छा, तो तुमने जो क्लासेस मिस की है तुम्हें उन सबके नोट्स चाहिए? हाँ सुनियो, मैं अपनी पढ़ाई मिस नहीं करना चाहता। ठीक है, घर जाने के बाद मैं तुम्हें अपने सारे नोट्स दे दूंगा जियान। तुम मेरे नोट्स भी यूज कर सकते हो। तुम इसके नोट्स बिल्कुल मत लेना जियान, उनमें बहुत सारी गलतियाँ होंगी। चलो चले। मैं स्कूल के बाद अपने घर पर तुम्हारा इंतजार करूंगा। थैंक यू सुनियो। क्या कहा? अब तो मैं तुम्हें अपने नोट्स बिल्कुल नहीं दूंगा, सुना तुमने जियान? थैंक्स सुनियो। इसमें थैंक्स कहने की कोई बात नहीं है जियान। वो कॉमिक यही है? हाँ ये बहुत अच्छी है। तब तो मजा आएगा। चलो खाना शुरू करते हैं। क्या आज तुम्हें सच में भूख नहीं है सुनियो? हाँ बिल्कुल, तुम ये सारा खाना खा लो और जल्दी से ठीक हो जाओ। तुम मेरे बारे में कितना सोचते हो? मुझे अच्छा लगा, हम दोस्त हैं जियान, अगर तुम्हें कुछ और चाहिए तो मुझे बता देना, ठीक है ना? सुनियो, तुम मेरे सबसे अच्छे दोस्त हो। ये सुनियो तो जियान के पीछे ही पड़ गया है। परेशान क्यों हो, बताओ नोबिता। मैं इतना बेवकूफ हूँ डोरेमोन। रोना बंद करो नोबिता और मुझे बताओ क्या बात है। बात ये है कि, अच्छा तो जियान ठीक हो गया और वापस स्कूल आ गया है ना? हाँ डोरेमोन, और उसके आते ही सुनियो का एटीट्यूड बिल्कुल चेंज हो गया है। सुनियो तो हमेशा ही ऐसा करता है, मुझे पता है तुम्हें कैसा लगा होगा, लेकिन ज्यादा रोने की जरूरत नहीं है। ये हंसने की बात नहीं है डोरेमोन। हे नोबिता। अरे ये तो सुनियो की आवाज है। हाँ, अरे नोबिता। क्या बात है सुनियो? दरअसल बात ये है नोबिता कि मुझे तुमसे एक फेवर चाहिए था। हाँ प्लीज नोबिता, ऐसा मत कहो, मुझे तुम्हारी मदद की बहुत जरूरत है, प्लीज नोबिता। मैंने जियान से स्कूल में प्रॉमिस किया था कि मैं उसे अपने नोट्स दे दूंगा, बाद में मुझे याद आया मैं जियान को किसी भी हालत में अपने नोट्स नहीं दे सकता नोबिता। लेकिन क्यों? जियान जब भी मेरी पिटाई करता है तो मैं उसका एक कार्टून बनाता हूँ, ये देखो। हाँ? ये तो बहुत बुरा हुआ। इसमें और बहुत सारे हैं नोबिता। हाँ? मैंने ये सारे कार्टून गुस्से में बनाए थे डोरेमोन, मुझे नहीं पता था ये नोटबुक मुझे उसे दिखानी पड़ेगी। तो तुमने ये सब इरेज क्यों नहीं किया? पेन की इंक इरेज नहीं हो सकती, प्लीज तुम कुछ करो डोरेमोन।
कोई भी तुम्हारी मदद नहीं करेगा, सुनियो। प्लीज मान जाओ। ये बात याद रखना नोबिता। इन दोनों को मैं नहीं छोड़ूंगा। हाँ हाँ, जियान तो मेरे घर जा रहा है, अब मैं क्या करूं? हमें उसकी मदद करनी चाहिए नोबिता। हाँ लेकिन क्यों डोरेमोन? देखो अगर हम उसकी मदद करेंगे तो उसके बाद तुम उससे कभी भी फेवर ले सकते हो। मेरी बात समझे नोबिता? मैं समझ गया, तुम तो बहुत स्मार्ट हो डोरेमोन। मेरी इतनी तारीफ मत करो। सुनियो घर पर नहीं है जियान। तो फिर क्या वो मेरे लिए कोई मैसेज छोड़ कर गया है? नहीं कुछ भी नहीं। मैं बाहर उसका इंतजार करता हूँ। मुझे अपने घर बुलाकर सुनियो चला कहाँ गया? आज तो मैं फंस गया, अब मैं अपने घर भी नहीं जा सकता। सुनियो मैं तुम्हारी मदद करूंगा सुनियो। हाँ सच में? लेकिन मैं पॉपुलर कॉमिक मैजिकल क्या पढ़ना चाहता हूँ सुनियो। बिल्कुल नोबिता। और हाँ मुझे कुनिको गोटो का ऑटोग्राफ चाहिए, तुम मुझे दोगे ना सुनियो? हाँ जरूर दूंगा। ये काम बन गया। जाओ तुम अपनी सारी नोटबुक्स ले आओ सुनियो, हम उन सबको ठीक कर देंगे। मैं घर नहीं जा सकता नोबिता, जियान मेरे घर के सामने खड़ा है। ये लो इसे यूज करो। थैंक्स नोबिता, मैं अभी आता हूँ डोरेमोन। ये लो नोबिता। हाँ ये तो बहुत सारी नोटबुक्स हैं। प्लीज नोबिता मुझे बचा लो। फिक्र मत करो काम हो जाएगा। ऑलमाइटी क्लीनर। हाँ क्या ये काम करेगा? तुम देखते जाओ सुनियो। अब तुम अपनी नोटबुक्स खोलकर हमें दिखाओ सुनियो। देखो ये लो। हाँ अरे ये क्या, तुमने तो कमाल कर दिया। अरे तुम ऐसे क्यों खड़े हो गए, चलो अपनी दूसरी नोटबुक खोलो सुनियो। देखो ये लो। हाँ देखो ये लो। अरे वाह देखो। देखा तुमने, सब कुछ साफ हो गया ना? हाँ डोरेमोन अब मुझे डरने की कोई जरूरत नहीं है। तुम अपना प्रॉमिस मत भूलना सुनियो। और ऑटोग्राफ भी। हाँ बिल्कुल, तुम्हें जब चाहिए आ जाना। ठीक है बाय। बाय बाय। ये हे जियान सॉरी तुम्हें मेरा वेट करना पड़ा। अरे तुम आ गए सुनियो। ये लो जियान। थैंक यू। ओके सुनियो अब मैं एक हफ्ते तक तुम्हारा बॉडीगार्ड बनूंगा। हाँ क्या सच में? थैंक्स जियान। अरे कोई बात नहीं सुनियो। रुक जाओ सुनियो। तुम कितने बुरे हो सुनियो, तुमने सबसे कहा कि रिमोट कंट्रोल प्लेन से शीशा मैंने तोड़ा था। हटो यहाँ से। मुझे क्यों मार रहे हो? ध्यान से सुनो, अब मैं एक हफ्ते तक सुनियो का बॉडीगार्ड हूँ। बात समझ में आ गई? तुमने उसे भगा दिया जियान? हाँ सुनियो क्योंकि तुम्हारा दुश्मन मेरा दुश्मन है। क्यों? क्या बात है, तुमने बिल्कुल सही कहा जियान। मैं अभी आता हूँ। ये लो ये कॉमिक बहुत अच्छी है जियान, मैंने इसे कल ही खरीदा है। क्या सच में? तो फिर अब मैं एक महीने तक तुम्हारा बॉडीगार्ड रहूंगा। हाँ? एक मिनट रुको। ये लो ये कुनिको गोटो का ऑटोग्राफ है जियान। वाओ बहुत अच्छे सुनियो, अब तो हमारी दोस्ती जिंदगी भर के लिए पक्की हो गई है। क्या सच में? सुनियो तुम्हारे लिए नोबिता का फोन है। हाँ क्या मुसीबत है? हाँ बोलो नोबिता। तुमने मुझे कॉमिक देने का प्रॉमिस किया था सुनियो, क्या मैं लेने आ जाऊं? उससे कहो मुझे ऑटोग्राफ भी चाहिए। हाँ ठीक है, लेकिन ये दोनों चीजें तो जियान के पास हैं। अगर तुम्हें चाहिए तो तुम उसे जाकर ले लो, समझ गए नोबिता? हाँ? अब फोन रख दो। हमें सुनियो की मदद करनी ही नहीं चाहिए थी। अब मैं उसकी नोटबुक्स पहली जैसी बना दूंगा। हाँ क्या ऐसा हो सकता है?
देखो नोबिता, सारी स्क्रिबलिंग्स इस कैप्सूल में बंद है। चलो चलकर नोटबुक्स में इन्हें वापस रख देते हैं, ठीक है? हाँ। देखो वो राजियान, उसके पास नोटबुक्स भी है। ओके। टाइम स्टॉप। डोरेमोन जल्दी से करो। हाँ करता हूँ। तुमने देखा नोबिता, अब ये नोटबुक्स पहले जैसी हो गई हैं। हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा डोरेमोन, अब तो बहुत मजा आएगा। सुनो डोरेमोन, अब हम उस कॉमिक को इरेज कर देते हैं और कुनीको गोटो का ऑटोग्राफ भी। हमने कर दिया डोरेमोन। तो चलो घर चलकर इस कैप्सूल में से कॉमिक को बाहर निकालते हैं। अब मैं आराम से बैठकर इस कॉमिक को पढ़ूंगा, आज बहुत मजा आएगा। ये क्या है? अरे ये ऑटोग्राफ भी गायब हो गया है। लगता है अत्सुनियो ने मुझे बेवकूफ बना दिया है। उस सुनियो को अब कोई नहीं बचा सकता। ये रिमोट कंट्रोल कार बहुत फास्ट है। नहीं, मेरी कार ज्यादा फास्ट है। चलो रेस करते हैं। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। अगर कोई मुझसे कुछ कहेगा तो उसे बहुत पछताना पड़ेगा। जियान अब मेरा बॉडीगार्ड है। अरे वो आ गया, कैसे हो जियान? ये लो सुनियो। मुझे उसका ऑटोग्राफ मिल गया। ये तो बहुत अच्छी है डोरेमोन। बचाओ मुझे। मुझे लगता है ये किसी के चीखने की आवाज है नोबिता, लेकिन अब चीखने से कोई फायदा नहीं है। हाँ अब हम सुनियो की मदद कभी नहीं करेंगे, है ना डोरेमोन? प्लीज मुझे छोड़ दो, मैंने कुछ नहीं किया। मेरा कार्टून बनाते हो, आज तुम नहीं बचोगे। प्लीज जियान, अब मैं कभी ऐसा नहीं करूँगा। जा रहा हूँ डोरेमोन। हाँ? तुम हाइकिंग के बारे में मीटिंग करने सुनियो के घर जा रहे हो? हाँ। तो ठीक है नोबिता, मैं भी मीचान से मिलने चला जाता हूँ। बाय बाय। और अब वेदर रिपोर्ट। आज बादल छाए रहेंगे और देश के सभी हिस्सों में बारिश होने की संभावना है। कहीं कहीं भारी। शुक्र है मैंने पहले ही कपड़े धो लिए। अरे हाँ, हमारा ये अनुमान है कि पहाड़ी इलाकों में बारिश होने की संभावना 100% है। ओके, मैं तुमसे मिलने आ रहा हूँ मीजान। रुक जाओ। डोरेमोन एक बहुत बुरी खबर है। कल तेज बारिश होने वाली है। क्या सच में? डोरेमोन ये तो तुम जानते हो ना कि कल मैं हाइकिंग पर जा रहा हूँ। हाँ मुझे पता है, मैं मीजान से मिलने जा रहा था और देखो तुमने क्या किया। अब मैं मीजान से नहीं मिल सकता नोबिता। मुझे माफ कर दो डोरेमोन, लेकिन अगर हम हाइकिंग पर नहीं गए तो शिजुका बहुत दुखी हो जाएगी और मुझे ये अच्छा नहीं लगेगा। हाँ, उन सभी बच्चों के बारे में सोचो जिन्होंने हाइकिंग पर जाने की तैयारी की है डोरेमोन। अब ये नाटक बंद करो नोबिता। हाँ, लगता है कुछ करना ही पड़ेगा। ये तुम बहुत अच्छे हो डोरेमोन, बताओ तुम्हारे पास क्या है? वेदर बॉक्स। क्या कहा? क्या ये सच है? आज मैंने टीवी पर वेदर फोरकास्ट देखी थी, कल बहुत तेज बारिश होने वाली है जियान। यानी हम हाइकिंग पर नहीं जा पाएंगे। मैंने तो अपनी सारी तैयारी कर ली थी। हाँ, तुम सब इतने उदास क्यों हो? नोबिता क्या तुम जानते हो कल बारिश होने वाली है? हम सब उसी के बारे में सोच रहे हैं। बस इतनी सी बात है। लेकिन मुझे तो लगता है कि कल बारिश नहीं होगी और मौसम साफ रहेगा दोस्तों। मुझे लगता है आज इसने टीवी नहीं देखा। हाँ,
हे नोबिता, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? मैं जानता हूँ तुम झूठ बोल रहे हो नोबिता। नहीं सुनियो, तुम्हें लगता है आसमान कल तक साफ हो जाएगा? हाँ हो जाएगा। कल बारिश होगी? बिल्कुल नहीं होगी। हाँ? ऐसी बात है तो चलो तीन घूसों की बैट लगाते हैं। हाँ ठीक है सुनियो, लेकिन तीन घूसों में मजा नहीं आएगा। हुँ? 30 घूसे कैसे रहेंगे? हाँ? मैं इसके लिए तैयार हूँ नोबिता। डोरेमोन, क्या तुम्हें लगता है मौसम कल तक साफ हो जाएगा? ये सब तुम मुझ पर छोड़ दो, मेरे पास कुछ है। देखो नोबिता, इन्हें कहते हैं वेदर कार्ड्स, और तुम इनमें से कोई भी वेदर कार्ड चूज कर सकते हो और वैसा ही वेदर हो जाएगा, तो ट्राई करें। हाँ हाँ चलो। सच में बर्फ गिर रही है डोरेमोन? ये! मैं समझ गया, अब इसे रोक दो। जी। क्या ये ठीक रहेगा? अब अगला है विंड कार्ड। अरे नहीं नोबिता, ये कार्ड तो इसे बंद करो। साइक्लोन कार्ड डाल दिया था, अब मैं डालूंगा क्लियर डे कार्ड। अरे कहाँ गया वो? यहाँ नहीं है क्लियर डे कार्ड। यहाँ नहीं है क्या? शायद वो खिड़की से बाहर चला गया होगा। वो कार्ड नहीं मिला तो क्या होगा डोरेमोन? अगर क्लियर डे कार्ड नहीं मिला तो बारिश जरूर होगी नोबिता। हाँ? नहीं बिल्कुल हाँ? नहीं डोरेमोन, जल्दी से उस कार्ड को ढूंढो। अरे ये आवाज कहाँ से आ रही है? ये तो सुनियो के घर से आ रही है। सुनियो, तुम्हारे घूसे तो काफी जोरदार हैं। देख लेना, कल मैं उसे नहीं छोड़ूंगा जियान। उसे अच्छी तरह पीटना, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। हाँ बिल्कुल, तुम अपनी प्रैक्टिस करते रहो। अरे नहीं, मुझे उस कार्ड को ढूंढना ही होगा। हाँ? हाँ? अरे डोरेमोन, क्या तुम्हें वो कार्ड मिला? लगता है मुझे सुनियो से 30 घूसे खाने ही पड़ेंगे डोरेमोन। हाँ? हाँ? आइडिया। हाँ? हम एक क्लियर डे कार्ड खुद भी बना सकते हैं नोबिता। हाँ तुम तो बहुत स्मार्ट हो डोरेमोन। थैंक यू, पर मेरी ज्यादा तारीफ मत करो। चलो इसे ट्राई करते हैं डोरेमोन। बचाओ डोरेमोन। लेकिन इस कार्ड को तो काम करना चाहिए था नोबिता। तुम्हारी ड्राइंग अच्छी नहीं है डोरेमोन, इसलिए इस कार्ड ने काम नहीं किया। क्या कहा तुमने? पर मैं ये सब तुम्हारे लिए कर रहा हूँ, भूल गए? हाँ? हाँ? बारिश हो रही है डोरेमोन। मुझे बहुत डर लग रहा है डोरेमोन, प्लीज मेरी मदद करो डोरेमोन। शायद इससे बात बन जाएगी। मैजिक पॉट। क्या इसे पहनने से मौसम साफ हो जाएगा? बिल्कुल नहीं। हाँ? ये तुम्हें घूसों से बचाएगा। नहीं नहीं, मुझे ये नहीं चाहिए डोरेमोन, कुछ और करो। सुबह तक मौसम साफ हो जाएगा। हाँ? मौसम साफ हो गया। हे नोबिता, मैं क्लाउड गैदरिंग बक्केट
रॉकेट के बारे में तो भूल ही गया था। देखो मैंने आसमान से सारे रेन क्लाउड्स इसमें इकट्ठे कर लिए। थैंक यू डोरेमोन, आज तुमने कमाल कर दिया। मॉम डैड मैं चलता हूँ। एंजॉय करना नोबिता। तुम अपना ध्यान रखना। ओके। हेलो। गुड मॉर्निंग नोबिता। क्या तुम चलने के लिए तैयार हो नोबिता? मौसम साफ हो गया है, अब हाइकिंग में बहुत मजा आएगा। अरे सुनियो कहाँ है? अब मुझे घूसे मार कर दिखाओ नोबिता, चलो जल्दी करो। हा? चलो मुझे 30 घूसे मारो नोबिता। डोरेमोन जरा सुनो। बोलिए मॉम। इसे यहाँ से हटाओ। ओ हाँ जरूर। अब मैं इस बकेट को कहाँ रखूं? हाँ? ये क्या है डोरेमोन? अरे कोई बचाओ! ये क्या हो रहा है? घर के अंदर बारिश क्यों हो रही है? अरे नहीं, मुझे जल्दी से इसे रोकना होगा। ये क्या हो रहा है डोरेमोन? एक मिनट मॉम। डोरेमोन। हाँ डैड। डोरेमोन ने आज मेरी बहुत मदद की है। नोबिता जल्दी चलो। इसमें कोई प्रॉब्लम हो गई है और बादल नहीं आ रहे। ये बारिश कब रुकेगी डोरेमोन?